उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 5 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि बारिश के दौरान पहाड़ की यात्रा करने से बचें, बारिश बंद होने के बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 20 तारीख जुलाई की हो गई है और देख रहे हैं कि ठीक ठाक बारिश प्रदेश में मिल ही रही है। नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी चली रही है और आज भी देखें तो अनेक जगहों तक में जो है बारिश प्रदेश में मिलनी चाहिए, हल्की से मध्यम जो है, और इक्का दुक्का जगहों में अगर हैवी रेन की बात करें तो उसमें देहरादून है, नैनीताल है या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, या इसी तरह अंदर में जो हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है। इक्का दुक्का जगहों में आज भारी वर्षा वहाँ पर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो रास्ते हैं वो बंद हो ही रहे हैं, इस तरह का जो इम्पैक्ट हुआ ही रहा है और नदियों में भी काफ़ी जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है। लेकिन जो एक्टिविटी अगर कल से बात करें, 21 तारीख से और 22 तारीख, ये 2 दिन जो है, तो इसमें जो लोअर कुमाऊं रीजन में यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, इंटेंस एक्टिविटी वहाँ पे रेनफॉल की होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 और 22 को अगर मैं बात करूँ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है।